गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों आइए, आज हम लोग अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए पूर्व बाल्यावस्था देख रेख तथा शिक्षा, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में तीव्र शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि के जटिल विकास के लिए एक बड़ी संख्या में ECCE कार्यक्रम बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के बाद विशेष रूप से 1947 में प्रारंभ हुए थे। ये ECCE क्या है, है ना? ये तो शॉर्ट नेम हो गया, 1947 में इसका प्रारंभ भी किया गया, लेकिन ये ECCE है क्या, है ना? तो इसको हम लोग देखते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या हो गया? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व बाल्यावस्था देख रेख तथा शिक्षा इसे कहा जाता है। तो इसका प्रारंभ जो हुआ 1947 में हुआ। उपस्थित ECCE कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित हैं, और ये जो पूर्व बाल्यावस्था देख रेख तथा शिक्षा है, इसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम जो हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे इसका पहला है एकीकृत बाल विकास योजना, इसे ICDS कहा जाता है, या हम लोग समेकित बाल विकास योजना भी कह सकते हैं। तो ये ICDCS क्या हो गया? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास योजना। दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा केंद्रों को चलाने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं की योजना। तीसरा है बालवाड़ी केंद्र तथा दिवस देख रेख केंद्रों को सरकार की सहायता से स्वैच्छिक कार्यालयों द्वारा चलाया जाता है। और फोर्थ है पूर्व प्राथमिक विद्यालय, राज्य सरकार, नगर निगम तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम। और पांचवा था मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाएं। ये पांच पॉइंट्स थे ECCE कार्यक्रम में, जो 1947 में राष्ट्रीय नीति कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से चलाया गया। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं समेकित बाल विकास योजना। पहला जो था इसका ICDS, क्या था? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। समेकित बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 में 33 ब्लॉक्स में प्रायोजित आधार पर प्रारंभ की गई थी। कब इसका आरंभ हुआ था? 1975 ईस्वी में। और कौन सा मंथ था? तो 2 अक्टूबर। और इसमें 33 ब्लॉक को लिया गया था, और 33 ब्लॉक को लेकर इसी आधार पर ये शुरुआत इसकी हुई थी। यह योजना भारत सरकार के सौजन्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है, और अभी तक ये चल रही है। वर्तमान समय में देश में लगभग 2761 स्वीकृत ICDS परियोजनाएं हैं। कितना है? 2761 जो है वो स्वीकृत परियोजनाएं हैं, जिनमें लाखों माताएं एवं बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे और माएँ जो हैं, माताएं जो हैं, इस योजना का लाभ उठा रही है। ये जो है 261 परियोजनाएं इसके अंतर्गत चल रही है। फिर है समेकित बाल विकास योजना के कुछ उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित हैं, है ना? तो आइए इसको देखते हैं क्या क्या उद्देश्य थे इसके। पहला था 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे के स्वास्थ्य तथा आहार की स्थिति में सुधार। कब हुआ था ये? 1975 से आरंभ हुआ था, और इसमें सबसे पहला था कि 0 से 6 साल के बच्चों के लिए स्वास्थ्य लाभ तथा आहार की स्थिति में सुधार करना था, क्योंकि उस समय तक बच्चों में पोषण और बीमारी दोनों ही बहुत गंभीर समस्या थी। दूसरा है बच्चों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शारीरिक विकास की नींव रखना। फिर था
कुपोषण, मृत्यु, अस्वस्थता तथा विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाना। उसके बाद था सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का प्रभावी एकीकरण, जिससे बाल विकास को और अधिक बढ़ाया जा सके। तो ये सब जो था समेकित बाल विकास के मुख्य उद्देश्य थे और इनको पूरा करने का एक लक्ष्य बना हुआ था। माताओं को स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा देकर उनकी क्षमता का विकास करना, जिससे वे बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनकी देखभाल कर सके। माँ को भी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना था, ताकि वो अपने बच्चों का और अपना ख्याल रख सके। पोषण संबंधी जानकारी उसको उसकी हो, ताकि वो अच्छे से अपने बच्चों का ध्यान रखे, खुद भी कुपोषित ना हो और बच्चे को भी कुपोषण का शिकार ना होने दे। नेक्स्ट था दिए गए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ICDS उपयोगी सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें सम्मिलित है कुछ सेवाएं ICDS प्रदान करती है जो निम्नलिखित है, जैसे पूरक आहार। पूरक आहार कब दिया जाता है बच्चों को, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। पूरक आहार जब 4 माह तक कम से कम बच्चे माँ का दूध पीते हैं, उसके बाद उसे माँ के दूध के साथ साथ कुछ और जैसे अनाज का सूप हो गया, सब्जियों का सूप हो गया, फलों का रस, दाल का पानी, ये सब पूरक आहार में लिक्विड डाइट के अंतर्गत देना है। फिर धीरे धीरे उसे थोड़ा सा तरल आहार के रूप में हल्की खिचड़ी, गीली खिचड़ी, सूजी का गीला हलवा, साबुदाना, ये सब, ताकि उसकी पौष्टिकता बरकरार रहे। फिर था टीकाकरण। टीकाकरण जो है वो बच्चों को जब वो माँ के गर्भ में से ही स्टार्ट हो जाता था, 7 से 9 महीने में उसे टिटनेस का टीका जो माँ को लगता था, उसके बाद से जैसे बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म से टीकाकरण उनका आरंभ कर दिया जाता था। टीकाकरण क्या था, रोगों से बचाव के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। फिर है स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी बच्चों को दिया गया था, बच्चों और माताओं को स्वास्थ्य व आहार शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। फिर है रोग क्षमतात्मक या रोग प्रतिकारक, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ये सेवाएं एक एकीकृत तरीके से आंगनबाड़ी अथवा बाल देखरेख केंद्रों पर पहुंचाई जाती है। तो इन सब सुविधाओं को कहाँ उपलब्ध कराया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र में या फिर वही क्या है, बाल देखरेख केंद्र, शिशुगृह, ये सब टाइप का। फिर प्रत्येक केंद्र एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा एक सहायक द्वारा चलाया जाता है, एक सहायिका और एक अन्य सदस्य रहते हैं, जो 3 माह का संस्थानिक प्रशिक्षण तथा 4 माह का समुदाय आधारित प्रशिक्षण लेता है। क्या है,